So hello guys, welcome back to my channel. My name is Tanisha Gulati and if you are new to this channel, please subscribe to my channel and click the like button. So इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं Amazon finds जो कि मैंने random picks करे हैं. तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे items order किए हैं. So most of the items ना मैंने Prime Day deal में order किए थे, मतलब 15 और 16 को ना Prime Day sale लग रही थी, तो उसमें से मैंने कुछ items order किए थे जिसमें मुझे कुछ % ना discount मिल गया था. तो मैंने उसमें से 3-4 products ऑर्डर कर लिए थे और भी ऑर्डर किए थे जो कि मेरी अगले हॉल में आने वाले. और अगला हॉल ना बहुत ही बढ़िया हॉल होने वाला है क्योंकि वो इतना अफोर्डेबल होने वाला है ना. सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर मैंने इतने सारे आइटम्स मंगाए ना अमेजोन से जो कि इतने यूजफुल है. इस वीडियो को यही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया और वो कैसा आया है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम के साथ. और ये वाला आइटम बाहर से ही दिख रहा है वैसे क्या है, तो जो ये वाला आइटम है ना ये मेरा फेवरेट है इन सब में, क्योंकि मुझे ना ये पहली नज़र में इतना पसंद आ गया था ना, इतना एस्थेटिक लुक दे रहा था ना ये, तो मैंने तो इसको सोच लिया था इसको तो लेना ही लेना है. और मुझे ना काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी इन चीज़ों की, मतलब इस चीज़ की मतलब. तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया और वो इतना ज़्यादा क्यूट कलर में आया और आपको भी काफ़ी पसंद आने वाला है क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था. तो देखो कितना ज़्यादा एस्थेटिक लुक दे रहा है ना इसमें, जो ड्रॉर्स दे रखे हैं देखो कितने मतलब क्यूट लग रहा है. देखो ड्रॉर्स, छोटे छोटे से ड्रॉर्स दे रखे हैं. और ये है एक स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र जो कि मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था. तो मेरे पास ना इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स और इतना सामान हो गया था ना कि जगह ही नहीं थी रखने के लिए, तो मुझे ना कैसे कंपार्टमेंट टाइप चाहिए था. तो ये मुझे पड़ा था 349 रुपीज़ का प्राइम डे डील पे. और प्राइम डे डील्स के ना मतलब अब जो प्राइस है ना सिर्फ 10-20 रुपये ही पड़ा है, कुछ ज़्यादा प्राइस बढ़ा नहीं है. तो आप चेक कर सकते हैं इतने में ही आपको मिल जाएगा इसके आसपास, तो इतना कोई फर्क नहीं था प्राइम डे में. इसमें ना 2 ड्रॉर्स दे रखे हैं इन्होंने जिसमें हम अपनी ज्वेलरी आइटम्स रख सकते हैं आराम से. ठीक है, मैं तो ज्वेलरी आइटम्स ही रखने वाली हूँ क्योंकि ना इतना स्पेस नहीं है ना, तो ज्वेलरी आइटम्स काफ़ी सही लगेंगे. और इसमें ना आगे की तरफ एक छोटा सा कंपार्टमेंट दे रखा है जिसमें अपनी लिपस्टिक या जो मतलब थोड़ा कुछ भी ऐसा सामान होता है ना थोड़ा बहुत वाला, वैसा हम वो आगे रख सकते हैं. तो उसके ऊपर वाला कंपार्टमेंट में मतलब ये दोनों कंपार्टमेंट में इसमें अपने स्किन केयर का और जो मेकअप का सामान है ना वही रखने वाली हूँ. प्राइस के हिसाब से ना मुझे काफ़ी वर्थ इट लगा, तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप इसे बाय कर लेना. और इसमें ना काफ़ी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, वाइट कलर था, पिंक भी था शायद, ऐसे ऐसे कलर्स थे इसमें, तो आप ले सकते हैं. मुझे ब्लू अच्छा लगा क्योंकि जो मेरा रूम है ना वो थोड़ा ब्लू में ही आ जाता है, तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से ब्लू कलर लिया. नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं. और जो ये प्रोडक्ट है ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे मतलब रील्स में दिखा चुकी हूँ इसको पहले, बट मैंने इसको ऐसे होल वीडियो में नहीं इंक्लूड किया था क्योंकि मैंने पहले इसको चेक करना चाहती थी कि कितने टाइम तक चलता है, कि मतलब अगर हम इसमें पैसे लगा रहे हैं तो ये नहीं कि मतलब 15 दिन चले, 10 दिन चले और उसके बाद चले ही ना. तो अब मुझे इसको यूज़ करते हुए, तो ये एक मिनी लैम्प है और मुझे ना इतना पसंद आया, मुझे इससे 0 एक्सपेक्टेशन थी, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि इतना छोटू सा लैम्प क्या ही करने वाला है, बट इसने मेरी एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया क्योंकि यार ये सिर्फ मुझे 249 रुपीज़ का पड़ा था और उसके बाद भी ये इतना अच्छा वर्क करता है ना. इसको लिए हुए मुझे आई थिंक 1 मंथ तो हो गया है यूज़ करते हुए, और मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे अपने पीछे. मतलब आपने मेरे रील्स में अगर देखा होगा तो हमेशा ना कोई ब्लू पिंक लाइट जल रही होती है, तो हमेशा मैं इसको यूज़ करती हूँ. तो इसके साथ आप कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं. मैं इसको आप खोल के दिखा देती हूँ कि ये कैसा है जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने अब मैं अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं ना तो आपने देखा होगा कि मैंने ये वहाँ पर शो किया था, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी लोगों ने मेरे से लिंक भी मांगा था इस चीज़ का. तो ये एक छोटू सी मिनी लाइट है और मुझे ना ये इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, इसके ना आए थे हाँ इसके ना 7 मोड्स है और 13 फंक्शनल मोड्स है. मतलब 7 मोड्स का मतलब इनमें 7 कलर्स जलेंगे, येलो, ब्लू, पर्पल, पिंक, ग्रीन, ऐसे कलर्स जलेंगे इसमें. और 13 फंक्शनल मोड इसलिए क्योंकि ये डिस्को में भी चलता है. हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऑर्डर करते हैं ना हमें यही होता है कि यार वो ख़राब ना आए या वो जल्दी ख़राब ना हो जाए, बट ये प्रोडक्ट अभी तक मेरा काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है. और इसकी जो लाइट है आप क्या सोच सकते हो कि मतलब यार छोटी सी लाइट में से कितनी ही लाइट निकलेगी, बट ऐसा नहीं है. ये लाइट इतनी ज़्यादा तेज होती है ना कि यार मेरा बैकग्राउंड इतना मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरी ये पूरी वॉल अगर मैं पिंक करना चाहती हूँ तो पिंक हो जाती है पीछे. आप इसको ना अपने पावर बैंक में भी अटैच कर सकते हो और ऐसे चार्जर के साथ भी लगा सकते हो, दोनों के साथ आप कर सकते हो. मैं तो दोनों यूज़ कर लेती हूँ, जब पावर बैंक चार्ज होगा तो पावर बैंक के साथ लगा दिया. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं और ये प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है. और ये
ये तो हर किसी के लिए यूजफुल होने वाला है ये प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को ना मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये ढंग से वर्क करता भी है ये नहीं करता है। तो मैंने सोचा अब इसको ऑर्डर कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि यार कैसा वर्क करता है और काम भी आता है कि नहीं आता है काम। तो मैंने ये ऑर्डर किया और ये एक सेंसर लाइट है। हम कभी भी अपना वार्डरोब खोलते हैं ना तो ये होता है कि यार बड़ा ना अंधेरा सा होता है, अपने कपड़े नहीं दिखते, तो कपड़े पहले इतने मैसी होते हैं उस वजह से दिखते नहीं है। और या अगर हम कहीं से पास कर रहे हैं और आप चाहते हो कि वहाँ पे अंधेरा है तो जैसे ही हम पास करें वहाँ पे लाइट जल जाए ऑटोमेटिकली, तो ये चीज उसके लिए है। तो ये ना मोशन डिटेक्ट कर लेता है और जैसे ही आप कहीं पे भी मोशन मतलब मूव करते हैं या कुछ भी करते हैं तो सीधा लाइट जला देता है। अब जैसे हम वार्डरोब खोलेंगे ना तो उस हिसाब से ना ये लाइट जला देगा। तो ये मैंने अपने वार्डरोब के लिए एक ही अभी मंगवाया था, अगर आप चाहे तो इसे सेट में भी मंगवा सकते हैं। सो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया था और ये काफी ना मतलब ऐसे छोटू सा ही है, कहीं भी लग जाने वाला है। मुझे इसके तीन पार्ट्स रिसीव हुए हैं। फर्स्ट तो ये सेंसर लाइट मुझे रिसीव हुई है और ये पीछे से जिससे हम इसको मतलब वो अटैच करेंगे ना अपनी वार्डरोब के ऊपर, तो अटैचेबल के लिए ही पीछे जो स्केयर बना रखा है ये इसके पीछे ऐसे लगेगा और ये ऊपर अटैच हो जाएगा। और तीसरा मुझे ये इसके साथ ये चार्जिंग के लिए इसका USB मिला है जिससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर चार्ज करेंगे हम उसके बाद ही इसको लगाएंगे तो ये थोड़े डेज चलेगा, फिर उसके बाद चार्जिंग पे करना होगा इसको। तो अभी इसको यूज करके मैं बताऊंगी कि ये कैसा होता है। और इसका प्राइस मुझे पड़ा था 250 अराउंड मुझे इसका प्राइस पड़ा था। ये यूज करने के बाद अच्छे से वर्क करता है ना तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप इसे जरूर लेना। मैं आपको क्लिप डाल दूंगी ये कैसा वर्क करता है और अलमीरा खोलने के बाद ये कैसा मतलब लाइट इसका वर्क करता है वो सब मैं आपको क्लिप पर डाल दूंगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। और ये प्रोडक्ट ना ऐसा है ना जो कि मेरे लिए इतना मतलब मेरे लिए क्या मतलब हर किसी के लिए इतना यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ना ये मेरी मम्मी को बहुत टाइम से चाहिए था। मतलब हमारा जो पहले वाला था ना वो खराब हो गया था तो प्राइम डे डील चल रही थी तो मैंने सोचा यार वहीं से ऑर्डर कर लेते हैं, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। और ये एक फ्रिज के ऊपर रखने वाला कवर है और ये मुझे काफी सही भी लगा था, इससे पहले भी हमारे पास था, इतने का ही मैंने परचेज किया था उस टाइम भी। तो इसके साइड में ना पॉकेट दे रखी होती है कि अगर हमें कुछ भी अपना कुछ भी रखना है ना तो हम इसके अंदर डाल सकते हैं, तो मुझे ये काफी सही लगा था तो मैंने इसलिए ये ले लिया था। क्योंकि यार फ्रिज पे ना यार ऊपर इतना वो डर्ट हो जाता है ना तो इसलिए कवर तो जरूरी होता ही है रखने के लिए, तो काफी टाइम से हमको चाहिए भी था। तो यार हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से ले कहाँ से ना ले, तो पहले भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था बट अब मैंने सोचा कि यार अमेजोन से ही ऑर्डर कर लेती हूँ। और इसकी क्वालिटी भी सही आई है, जैसी होनी चाहिए वैसी ही इसकी क्वालिटी आई है। और ये मुझे पड़ा था आई थिंक 150 के अराउंड, प्राइस मेंशन कर दूंगी साथ में मैं। तो इसका प्रिंट भी मुझे काफ़ी सही लगा था, डिसेंट सा प्रिंट था जैसे होना चाहिए ना, ब्लैक के साथ जच जाता है सूट कर जाता है वैसा ही लगा। तो मेरी मम्मी को तो काफ़ी सही लगा था कि हाँ यार काम की चीज़ आ गई है। तो इसके बाद जो होल आने वाला है ना अंडर 100 रुपीज़ वाला होल, उसमें तो यार इतनी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं ना हमारे लिए कि वो होल तो आप डेफिनेटली देखना। 2-3 दिन के अंदर ही वो वाला होल भी मैं डाल दूंगी अपने चैनल पे, जैसे ही मुझे सारा सामान रिसीव्ड हो जाता है ना उसके बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना ऐसे मतलब आया नहीं है, कुछ आ चुका है और कुछ नहीं आया है, तो जब एक साथ सब कुछ आ जाएगा ना तो उसके बाद मैं डाल दूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो मैं सेकंड टाइम बाय कर रही हूँ, मतलब मैं इससे पहले इसको ले चुकी हूँ, ये काफी रैंडमली मैंने उस टाइम बाय किया था और अब मैंने इसको दोबारा से बाय किया है, क्योंकि मुझे ये उस टाइम इतना ज्यादा पसंद आया था ना, मैंने सोचा यार इसको दोबारा से ऑर्डर करना चाहिए क्योंकि वो वाली बॉटल तो मेरी खत्म हो गई थी। तो ये एक हेयर रिमूवल स्प्रे है जो कि मैंने ना बड़ी रैंडमली देख लिया था अमेजोन पे, तो मैंने ट्राई करा ना इसको, तो ये काफी अच्छा वर्क करता है यार। मतलब यार इतने अच्छे से इसके हेयर रिमूव हो जाते हैं ना, इतना सॉफ्टली मतलब ये अपनी स्किन को कर देता है ना, तो मुझे ये काफी पसंद आया था। तो इसका रिव्यू मैं आपको शॉर्ट चैनल पे अपना दे दूंगी, शॉर्ट चैनल बोल रही हूँ मैं, शॉर्ट्स पे आपको इसका रिव्यू मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा वर्क करता है। ये मुझे ना 350 समथिंग ही कुछ पड़ा था, इसका रेट भी मुझे इतना ही पड़ा था। तो ये अभी ना मेरे को यूज करते हुए काफी टाइम हो गया, उसके बाद ही मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये ले सकते हैं, क्योंकि यार मैं सेकंड टाइम यूज कर रही हूँ तो इसमें कुछ तो अच्छी चीज होगी ना जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। मैंने ऑर्डर किया था ना वो मैं आपको मतलब अनबॉक्सिंग वीडियो उसकी मैंने अपने शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखी है ना तो आप जाके देख सकते हैं उस शॉर्ट्स वीडियो को। तो उसका मैंने ना अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था, मुझे काफी दिन पहले वो रिसीव हो गया था, तो अब मुझे उसको यूज करे हुए 15-20 डेज हो गए हैं, तो अब मैंने सोचा उसका रिव्यू डालना चाहिए कि वो वर्थ इट है लेना या नहीं लेना वर्थ इट है। तो वो एक मैट है जो कि मैंने अभी पीछे बैकग्राउंड में अपने लगा रखा है, और वो मैट मुझे अच्छा लगा या नहीं आपको क्या लगता है? तो वो मैट ना जूट का था, तो जूट का जो मैट होता है ना वो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, मतलब कि इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर उसको बाय कर रहे थे और काफी एस्थेटिक सा व्यू देता है, तो मैंने सोचा यार मेरे को भी ऑर्डर करना चाहिए। तो उसके ना प्राइजेस वरी करते हैं, जितना आप मतलब लॉन्ग में लोगे ना तो उतना प्राइस होगा, तो अगर आपको बहुत बड़ा चाहिए तो वो तो अप टू 1500-1600 हो जाता है, बट जो मैंने ऑर्डर किया था वो मैंने ऑर्डर किया था आई थिंक
350 रुपीज़ का, मैंने 350 रुपीज़ का वो मैट ऑर्डर किया था और वो उसका साइज मुझे लगभग इतना बड़ा आया है। ही आइटम्स थे जो मैंने ऑर्डर किए थे, आई थिंक मैंने आपको 5 to 6 आइटम्स दिखा दिए होंगे जो मैंने ऑर्डर किए थे और मुझे ना सारे के सारे ही काफ़ी पसंद आए थे, क्योंकि यार मैं जो मुझे पसंद आता है मैं वही प्रेफर करती हूँ दिखाना। अगर मुझे पसंद नहीं आता तो मैं ज़्यादा उसके बारे में इतना बोलती भी नहीं और दिखाना भी पसंद नहीं करती हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि जितने भी मैं आइटम्स दिखाती हूँ ना वो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आ जाते हैं। डेली अपलोड करती हूँ, रेयरली होता है कि मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ, वैसे मैं डेली अपलोड करती हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है और अगर आपको ऐसे हॉल्स चाहिए ना तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज।